बाढ़ के बाद खोखले हो गए गुजरात के वडोदरा में एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जब सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे ना पड़ जाएं। वडोदरा में एक और गड्ढा पड़ने की खबर सामने आई है, जहां बीबीसी रोड पर गोवर्धन नाथ जी की हवेली निकट बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने मुख्य सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है और ये गड्ढा लगातार बड़ा भी होता जा रहा है। ऐसे में फिलहाल व्हीकल रख कर गड्ढे को कॉर्डन किया गया है। આજ રોજ અમે ગાય સર્કલ થી અલકાપુરી વાળો જે રોડ છે ત્યાંથી જઈ રહ્યા હતા, ત્યાં હવેલી સંગીત પાસે ઉર્મી સોસાયટી આવેલી છે એ રોડ પર ખૂબ મોટો ભૂવો હજુ હમણાં તાજેતરમાં જ પડ્યો છે। તમે જોઈ શકો છો કે ભૂવો ખૂબ જ મોટો છે અને હજુ જેમ જેમ વાહનો જઈ રહ્યા છે તેમ તેમ ભૂવો મોટો થતો જાય છે। તો હું તમારા દ્વારા કોર્પોરેશનને જાણ કરવા માંગીશ કે જલ્દીથી જલ્દી આની કામગીરી કરવામાં આવે, જેથી કરીને આગળના સમયમાં કોઈ મોટી જાનહાનિ ના થાય અને લોકોને અવરજવરમાં મુશ્કેલી ના કરે। घटना की जानकारी मिलने पर अकोटा विधायक चैतन्य देसाई भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ बातचीत कर जल्द से जल्द निवारण की दिशा निर्देश दिए हैं। ये अभी खड्डा जो गिरा है वो पुरानी ड्रेनेज की लाइन है। इस लाइन पर 2005 में जब फ्लड आया था तब बड़ौदा में ये एरिया में अराउंड 39 फीट विश्वामित्र का पानी आया था, उस समय का ये भूए गिरे थे, वही लाइन है, ये पुरानी लाइन है। इसे पहले बंद कर दिया गया था लेकिन फिर से उसी पर बुए पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर टेक्निकलिटी रही होगी, खामी रही होगी, जो भी है। कॉरपोरेशन में अभी मैंने फ़ोन किया है, उनके बंदे आते ही होंगे और इसका जो भी करना है या पूर्ण है उसको फिलअप करना है या उसको रिपेयर करना है वो डिसीजन तो कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही ले पाएंगे। ये करीबन 60 के डेकेड में डाली हुई लाइन है, काफ़ी पुरानी और काफ़ी डीप है, 8 से 9 मीटर डीप लाइन है। 18 मीटर के अगर रास्ते पर उसमें खुदाई करना पड़े तो पूरा रास्ता ही बंद कर देना पड़े, ऐसी परिस्थिति आके खड़ी होगी। तो ये टोटली बंद कर देनी है, उसको रिपेयर करनी है तो कॉरपोरेशन ही नक्की कर पाएगी।